हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी। दोस्तों, ये आज टाइप दो पढ़ेंगे हम। ये पहला ही चैप्टर रीजनिंग का और टाइप नंबर टू। कल हमने टाइप नंबर एक पढ़ी थी, आज हम टाइप नंबर दो पढ़ेंगे। एक तरफ से लेकर चलेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं टाइप नंबर दो का पहला सवाल। यह है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के बाएं पांचवा होगा। देखो, अब इसमें पहले जो था वो तो सीधा था, लेकिन अब इसमें विपरीत पूछा है। टाइप नंबर दो है विपरीत की, ठीक है। और विपरीत आपको मालूम ही है, जैसे अगर सीधा अगर देखा जाए तो सीधा तो होता है एक से जेड, ए से जेड की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर विपरीत पूछा जाए तो ये पूछ रहा है जेड से ए की तरफ के लिए, ठीक। ये तो सीधा है और ये विपरीत है, तो अब हमें देख लो कैसे निकालते हैं। देखो, विपरीत है, विपरीत में एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपको दिया जाए, जैसे ये दायां है, दायां और ये बायां, तो इन्हें आपस में पलट दो, क्योंकि विपरीत है ना, तो इन्हें आपस में पलट दो। लेकिन मैं इसको बहुत अच्छी आपको ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी बहुत आसान पड़ेगा ये आपको करना। दायां है, दायां का बना दो बायां और बायां का बना दो दायां। हो गया आपका सवाल, ठीक। देखो कैसे, तो अब ये आप दाएं से मत पढ़ना, अभी से पढ़ना बाएं से। बाएं से चौथा मतलब लेफ्ट से फोर, और देखो अलग अलग है दोर, बाएं दाएं तो जुड़ जाएगा, वही सेम अप्रोच। अगर दोनों सेम हो तो घट जाएंगे, और अगर दोनों अलग अलग हो तो जुड़ जाएंगे। तो लेफ्ट से चौथा और इधर से राइट से पाँचवा, नौ आगा। अब देखो इसमें किस दर से बूझा, ये बाएं तरफ से, ठीक। तो बाएं से नवा बता दो आई, यही आपका आंसर हो गया, ठीक। दूसरा देखते हैं। देखो ये बायां है, इसको दायां बना लो सबसे पहले। सबसे पहला काम ये होता है, दायां बनाओ इसका, और ये दायां है तो इसका आप बायां बनाओ, ठीक है। ये कट गया दोनों, क्योंकि अब हमारे इनसे कोई काम नहीं हुआ, हमने पलट दिया, विपरीत पूछा, ठीक है, बहुत अच्छी, ठीक। तो दायां और बायां ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को जोड़ दो, दाएं से 15 प्लस ये भी 15, ठीक। कहाँ से पूछा हमें, हमें पूछा दाहिने से। अब देखिए इस चीज़ का बहुत अच्छा ध्यान रखना, दाएं से पूछा तो हमें जेड की तरफ से बताना पड़ेगा, अगर ये बाएं तरफ से होता तो हमें बाएं की तरफ से ही बताना पड़ता, लेकिन ये पूछा है दाहिने की तरफ से तो हमें दाहिने से बताना पड़ेगा। मतलब 15 दूनी 30, तो हमें 30 मतलब 27 माइनस 30, ठीक है। ये 27 में से हमें 30 माइनस करने पड़ेंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का 3। अब देखो मैंने वो आपको बताया था, जो जेड जो आता है अगर माइनस की तरफ चलेंगे तो जेड 0 पर आता है, उसके बाद वाई जो आता है वो -1 पर आता है, ठीक है। एक्स जो आता है वो -2 पर आता है, ठीक। डब्ल्यू जो आता है वो -3 पर आता है, तो इसमें -3 आपका आंसर है, तो इसका डब्ल्यू ही आंसर हो गया आपका, ठीक है। क्योंकि माइनस की तरह अगर वेस्ट चलती है तो प्लस में उसमें आ जाते हैं। लेकिन अब दूसरा सवाल देखते हैं। बायां है, इसे दायां बनाओ सबसे पहले। ये बायां है, इसको भी दायां बनाओ सबसे पहले, ठीक। अब देखो दोनों एक से हैं तो ये आपस में घट जाएंगे, तो 7 और 10 मतलब -3, ठीक। वही फिर वही सेम अप्रोच, 27 माइनस 3 कितना होगा, 24 आएगा, ठीक। अब 24 पर बताओ क्या होगा, एक्स आएगा 24 पे, तो यही आपका आंसर, सॉरी सॉरी, हाँ सही है सही है सही है, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि दायां है तो हमें दाएं तो 27 में से घटाया हमें, ठीक। दायां अगर बायां होता तो सीधा सीधा हम बता देते कि 24 पे क्या था, लेकिन पहले इसमें से घटाना पड़ा, ठीक। अभी देखिए दायां है तो इसका दायां का बायां बनाओ सबसे पहले, और ये दायां है इसका भी बाएं बनाओ सबसे पहले। अब देखो दोनों सेम हैं तो ये घटा जाएंगे, 16 माइनस 6 बराबर आ गया 10, ठीक। अब 10 को क्या करेंगे हम, 27 में से माइनस, क्यों, नहीं, बायां है तो बायां सीधा सीधा चलेगा, तो जी आ गया हमारा आंसर। अगर ये दायां होता इधर तो ये हम 27 में से माइनस करना पड़ता, लेकिन ये पूरी सीधा है, बायां है तो इसे पूरा ऐसे ही कर देंगे। ये बायां है, इसको दायां बनाओ, ये दायां है इसका बायां बनाओ, ठीक। तो दाएं से 7वां और दाएं बायां अलग अलग हैं दोनों, तो प्लस होंगे, ठीक। 3 बराबर आ गया 10। अब देखो ये दायां है तो अब हमें दाएं जेड की तरफ से बताना पड़ेगा उत्तर, अपना जो उत्तर देंगे हम जेड की तरफ से देंगे, तो इसमें 27 माइनस 10 बराबर आ गया 17। तो 17 पे क्या है, क्यों है 17 पे, तो क्यों ही आंसर हो गया। तो दोस्तों हमें ये, आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।